एक जंगल में एक तालाब था। तो तालाब में एक बड़ा सा कछुआ रहता था, ठीक है। तो कछुआ तालाब में मछली खाता था, घूमता रहता था। तभी तालाब में दो ठो बगुला घूमते घूमते आए, तो लोग कछुआ के देखे। तीनों में बहुत अच्छा दोस्ती हो गया, समझे। तो तीनों सारा दिन घूमते थे, मस्ती करते थे, मछली खाते थे। तभी एक साल क्या हुआ, सूखा पड़ गया, समझे। सूखा पड़ गया तो सब तालाब का पानी सूखने लगा। तब कछुआ बहुत चिंतित हुआ, बोला यहाँ का तो तालाब का पानी खत्म हो जाएगा, तो मैं कहाँ रहूँगा, मैं तो मर जाऊँगा, कैसे रहूँगा। बगुला लोग बोले कि तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग हैं ना तुम्हारे दोस्त, कोई ना कोई उपाय कर देंगे। तो बगुला लोग क्या हुए, ये देखो, उड़ते गए। ऐसे ऐसे उड़ते 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 जंगल के अगल बगल घूम रहे थे। तो दूर गए ना, जंगल से बहुत दूर गए तो एक तो दूसरा जंगल था, उसमें बहुत बड़ा तालाब था। क्या था, बहुत बड़ा तालाब था, वहाँ पे बहुत सारा पानी था। तो वो लोग आए, दोनों उड़ते हुए कछुआ के पास आए, बोले कछुआ कछुआ हम लोग ना एक दूसरा जंगल देखने गए थे, तो वहाँ पे बहुत, देखो, बहुत बड़ा तालाब मिला, वहाँ पे तो बहुत सारा पानी है, तुम वहाँ पे तो जा सकते हो। तो कछुआ बोला मैं उतना दूर कैसे जाऊँगा। तो बगुला बोले हमारे पास एक युक्ति है, पता है, हम लोग एक ठो बड़ा सा डंडा लाएंगे, डंडे के दोनों किनारे को हम लोग पकड़ के उड़ेंगे और तुम बीच में पकड़ लेना, ठीक है। तो तुमको उड़ा के लेके हम लोग जाएंगे और तालाब में छोड़ देंगे, लेकिन तुमको मुंह नहीं खोलना है, बीच में मुंह नहीं खोलेगा, नहीं तो गिर जाओगे। तो कछुआ बोला ठीक है। तो वो लोग क्या किए, एक बड़ा सा डंडा लाए। तो डंडा को कछुआ बीच से पकड़ लिया, मुंह से इसे पकड़ लिया, और बकुला लोग क्या किए, दोनों किनारे को चोंच में दबा के उड़ने लगे, ऐसे पकड़ के टिंग उड़ने लगे, ठीक है। अब उड़ते 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 जंगल से दूर चले गए। तो रास्ता में एक छोटा गांव पड़ता था, तो गांव के ऊपर से वो लोग उड़ते हुए जा रहे थे, समझे। तो गांव के ऊपर से उड़ते हुए जा रहे थे, तभी गांव में नीचे में बच्चा लोग खेल रहा था। तो वो लोग देखे ऊपर में देखे, अरे एक छो तो कछुआ उड़ते हुए जा रहा है। वो देखो कछुआ उड़ रहा है, कैसे बोले, अंगुल से करो, अंगुल से, वो देखो कछुआ उड़ रहा है, वो देखो कछुआ उड़ रहा है। तो कछुआ देखा तो देख के तो बहुत एक्साइटेड हो गया, ठीक है। वो जैसे ही मुंह खोलने गया तब तक डंडी छूट गया, वो ऊपर से बदाक से गिर गया, गिर के नीचे जमीन पे गिरा, तो गिर के वो मर गया, समझे। अब बगुला लोग तो बहुत दुखी हो गए, वहां से वो लोग दूसरे जंगल में चले गए। और वो लोग बोले कि देखो कछुआ हमारा कितना अच्छा दोस्त था, वो अगर नहीं मुंह खोलता तो बच जाता ना, बेचारा हमारा दोस्त मर गया। तो इस कहानी से हमें शिक्षा मिलता है कि कभी कभी मुंह को नहीं खोलना भी जरूरी होता है, जहां जरूरत हो वहीं बोलना चाहिए, हमेशा मुंह नहीं खोलना चाहिए।